डिहाइड्रेट कबूतर जल्दी हो जाएगा, ठीक है, आधे पौने घंटे में डिहाइड्रेट हो जाएगा। सबसे अच्छा पानी, सबसे मुफीद पानी, आपने रात को अगर सुबह कबूतर उड़ाने हैं, रात को ये पानी भिगो दें। आपने क्या करना है कि आधी चमची जो है वो सौंफ और आधी चमची सफेद जीरा, सफेद जीरा। ये वेलकम टू अजमान पिजन करा, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त आरव, एक नई वीडियो के साथ दोस्तों हाजिर हूँ। जी दोस्तों, आज आया उस्ताद वकास के यहाँ, तो इंशाल्लाह आज एक अच्छे टॉपिक पे बात भी करेंगे और उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम आरव भाई, क्या हाल चाल है? खैर खैरियत है, आप सुनाए उस्ताद जी? अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, शौक कैसा चल रहा है? शौक तो ऐसा, तैयारी कैसा है? बहुत गर्मी है यार, गर्मी ने हशर नशर कर दी है। जी 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 दोस्तों, माशाल्लाह हम लोग उस्ताद का भी शौक भी काफ़ी दफ़ा दिखाया है, तो माशाल्लाह पीछे सेटअप भी है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पे आए और हमारे दोस्तों के साथ जी बहुत से मैसेज हैं इस हवाले से बात कर, खासकर ये महीनों में जो कबूतर आ रहे हैं मर रहे हैं उसके हवाले से। तो सर जी, दोस्त ये कह रहे हैं कि हमारे कबूतर आते हैं मर जाते हैं जो पिरतों में, ठीक है ना, तो इसके हवाले से कुछ होते हैं, क्यों मरते हैं, वजह? वही अरे भाई, फिर मसला वही आ गया, संभाली गई। हाँ संभाली गया, अगर आप कबूतरों को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे जी जी, तो फिर लाजम आपका बर्ड जो एक्सपायर तो हो जाएगा। जी जी। और ये आपका नहीं है, मेरा शिगिर्द है एक पिंडी में, बिलाल जी जी, उसने भी मुझसे यही बात की कि इस तरह लोगों के कबूतर बड़े मर रहे हैं। तो सिस्टम वही है जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं जी, कि कबूतर को संभाला सही तरीके से जाए। जी जी ठीक है। आप कबूतर को जो मेन जो है उड़ान, मैं आपको शुरू कर देता हूँ कि कबूतर को उड़ाना कैसे है। सपोज आपके पास कबूतर को उड़ान का टाइम 6 बजे है, ठीक है। अब 6 बजे का मतलब यह है कि आपके कबूतर को 5 बजे आप उसको पानी दे दें जी, यानी कुछ कबूतर 5 cc, कुछ 10 cc, कोई 15 cc, 20 cc तक कबूतर पानी लेता है, ठीक है, वो कबूतर को देना चाहिए जी। ये मैं सादे पानी की बात कर रहा हूँ जी, ठीक है। सपोज अगर आपके पास वहाँ पे मौसम कुछ लग गया है, एयर में हवा में ऑक्सीजन नहीं है जी, और ऊपर ऐसा है कि जैसे बिल्कुल मौसम बंद हो गया, ठीक है, तो उसका तरीका कार ये है कि फिर आप कबूतरों को सुबह सादा पानी मत दें, ठीक है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब लोगों के कबूतर क्यों मरते हैं, कि एक तो सुबह उड़ाने से पहले वो कबूतर चेक नहीं करते, दूसरा वो कबूतरों को पानी नहीं देते जी जी, तीसरा ये है कि पानी के आपने मौसम की सिचुएशन को देख के पानी देना है कि ये अब मौसम हमारे पास ऐसा चल रहा है कि जिसमें डिहाइड्रेट कबूतर जल्दी हो जाएगा जी, ठीक है, आधे पौने घंटे में डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है, फिर आपने उसको उसी हिसाब से देना है। सबसे अच्छा पानी, सबसे मुफीद पानी, आपने रात को अगर सुबह कबूतर उड़ाने हैं, रात को ये पानी भिगो दें। आपने क्या करना है कि आधी चमची जो है वो सौंफ और आधी चमची सफ़ेद ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ये तकरीबन आधे लीटर पानी में आप रात को भिगो के रख दें। सबसे अच्छा तरीका कार ये है कि अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी का ग्लास है, उसमें ये आधा लीटर पानी डालें, उसमें ये आधी चमची सफ़ेद ज़ीरा और आधी चमची सौंफ ये डाल के रख दें, उसमें चमचा घुमा के तो उस पानी को रख दें किसी अच्छी जगह पे जहाँ पर टेम्परेचर अच्छा है, ठीक है, उसमें रख दें। और सुबह जब आप कबूतरों को आपने उड़ाना है, यानी आपने 5 बजे जब निकालना है, इस पानी को आपने आराम से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना, ताकि जो उसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा और जो डाल लेना वो साइड पे कर लेना, वो साइड में, और इसको ना मलना है, ना इसको रगड़ना है, ना इसको प्रेस करना है, बस आराम से वो पानी निकाल लेना। जी, ये जी। पानी जब आपके पास निकला है तो 5 cc आपने ये पानी और 5 cc सादा पानी, या 10 cc सादा पानी, 5 cc ये पानी, ये सुबह आप 1 घंटा पहले अगर कबूतर को दे देंगे तो आपका कबूतर फ्रेश आएगा, ऊपर से अपना आप रख के आएगा, कबूतर का मैदा, उसका अंदर का जो सिस्टम है, उसका इम्यून सिस्टम जो सा है, और बाकी कबूतर के अंदर कोई गैस शैस है वो क्लियर हो जाएगी, और कबूतर आपका अच्छे तरीके से प्रवास करके और अच्छे तरीके से बैठेगा। और डिहाइड्रेट होने का कहाँ जो चांस है वो कम है, कम है, होता जरूर है, कबूतर जोर मारता है मगर कम है, ठीक है। अगर सपोज मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया तो आप सौंफ जो है उसको निकाल दें, आप जो है सफ़ेद ज़ीरे के साथ 1 दाना इमली का डाल दें, वही सेम प्रोसीजर, रात को भुगो के रखें, सुबह वही। उसमें ये करना है कि जब इमली का साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर 4 cc ये पानी लेंगे और तकरीबन 12 से 14 cc सादा पानी लेके फी कबूतर आपने ये कबूतर को दे देना है, उससे आपका कबूतर क्या हो जाएगा, कबूतर के अंदर का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी जी। अगर थोड़ी सी रह गई उसमें कुछ, यानी दाना रह गया है, या खुराक का कोई मसला है, या उसने अच्छे तरीके से हाजमा नहीं किया, तो उससे उसका आपका कबूतर
चल पड़ेगा। दूसरा, अगर उसके मैदे के अंदर एसिडिटी या उसके मैदे के अंदर गर्मी हो गई है तो ये पानी वो भी क्लियर कर देगा। जी जी। और इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या होगी कि जब आपका कबूतर ऊपर से उड़ के आएगा ना तो आते सारी वो बिट मारना शुरू कर देगा। उसके लिए आपको कोई स्पेशल कोई तरद नहीं करना पड़ेगा कि मैं ये करूँ या ये करूँ तो उस पर कबूतर संभालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये मेन कॉज है जिसमें अगर आप ये थोड़ा सा एक छोटा सा स्टेप कर लेंगे आपका कबूतर मरने से बच जाएगा। आपका कबूतर आगे प्रवास के लिए रेडी हो जाएगा। जी जी। ठीक है, नुकसान से आप बच जाएंगे। ठीक है, और ये जितने भी हमारे कबूतरबाज भाई हैं जो अभी शौक कर रहे हैं उनको चाहिए कि सुबह उड़ाने से पहले लाजम अपने कबूतरों को चेक करें। चेक करना लाजमी है। हाँ जी, और ये चेक करना ये नहीं है कि आपने पल्ला मारने से 15 मिनट पहले चेक करना है। ये पल्ला मारने से कम सवा घंटा पहले आपने चेक करना है कि आपके कबूतर की कंडीशन क्या है, क्या है, क्या वाकई आज इस पल्ले में उड़ने के काबिल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपने उसको ट्रीटमेंट दे के और घंटे तक इंतजार करना है। घंटे के बाद जब आपने पल्ला मारना फिर आपने देखना है कि वाकई इट्स ओके, सब ठीक है, और ये यानी इसमें ये क्वालिटी है कि आज वो उड़ जाए या बर्दाश्त कर ले आज का मौसम। तो ये तरीका कार है, तो इससे अगर मेरे भाई ये चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह उनको फायदा ज़रूर ज़रूर, क्योंकि सबसे दारोमदार यानी सुबह सुबह जी कबूतर को अच्छा देखना है और संभालना है। जब आप कबूतर को सुबह सही तरीके से उड़ाओगे संभालोगे तो आपको शाम के टाइम इतना परेशानी नहीं होगा उसको संभालना, या दोपहर के टाइम जब आएगा कबूतर जी। और दूसरा, सपोज अगर आपके कबूतर आपने उड़ाए हैं, बैठ गए हैं, ठीक है, अब बैठ गए हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि अगर कबूतर आपका 6-7 घंटे उड़ रहा है ना, जी जी, उसको खुराक पे लेके आए, उसको अच्छी खुराक दें। जी जी। ठीक है, और दूसरे दिन भी उसको खुराक पे लेके आए, यानी दूसरे दिन भी उसको खुराक दें सुबह के टाइम। उसको पहले आप क्लियर कर लें, जो आज अगर आपने खुराक दी और सुबह नागे वाले दिन आपने उसको खुराक देनी है तो तकरीबन उसको 7 बजे के करीब उसको वॉश करें। वॉश करने के बाद 5 सीसी पानी दे के उसको क्लियर करें, उसके बाद दोबारा अपनी खुराक दें। ठीक है, दाना दें, मगर दोपहर को जब आप दाना देंगे ना तो मैं अपने भाइयों को बताना चाहूँगा, लास्ट बात टाइम पे भी मैंने बोला था, मैं आपको एक बार पानी बताऊँगा। हाँ जी। ठीक है, आप लोग एक हाजमे वाला पानी है वो आप इस्तेमाल कर लें। जी जी। उसमें क्या है जी, आपने आधी चमची अजवाइन खरासानी लेनी है। जी जी। ठीक है, साथ में जंगली पुदीना लेना है। जंगली पुदीना कितना, 3 चुटकी। 3 चुटकी। हाँ, 3 चुटकी आपने पकड़नी है, ये चुटकी है, 1, 2, 3 ये उसमें डाल दें। जी जी। ठीक है, ये उसमें हो देनी है। साथ में सौंफ का इस्तेमाल करना है। जी। और हरड़ मिलती है, हरड़ जो मिलती है वो आपने इस पानी में 2 डालनी है। जी। और कैसे डालनी है, इसको कूट के गिटक निकाल के फिर उस पानी में आपने ऐड कर देनी है। जी जी। ठीक है, ये चीज़ें, और साथ में दालचीनी 3 इंची, बस ये आपने 1.5 लीटर पानी में इसको बॉयल कर ले। जब पानी रह जाए आपका तकरीबन 1.25 लीटर रह जाए, आप इसको उतार लें, उतार के अपने पास रख लें। ठीक है, पुन के रख लें अपने पास। ठीक है, जब आप दोपहर को दाना देंगे तो दाने के साथ अगर आपने पानी रखा है ना कबूतरों के आगे 1.5 लीटर, तो 1.5 लीटर के अंदर ये जो बना हुआ पानी है ना, ये आप इसकी तकरीबन 25 सीसी पानी ये बीच में डाल दें। 1.5 लीटर के अंदर, 1.5 लीटर में 25 सीसी ये पानी, 25 सीसी ये डाल दें, ये दे दें, उस कबूतर का हाजमा सेट हो जाएगा। जी जी। कबूतर के अंदर जो थोड़ी बहुत भी गैस रहेगी या पोटा उसका सही चल नहीं रहा या मैदा उसका काम नहीं कर रहा, वो भी चलना शुरू हो जाएगा। अगले दिन कबूतर आपका अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ये नागे वाला दिन का बात, ये नागे वाले दिन की बात है ये। और कभी भी आए कबूतर को आपने नहीं देना कोई गर्म पानी, नहीं देना किसी किस्म का, कबूतर को सादा रखना है, सादा ही रखना। हाँ, अगर आप लोगों के पास समाली है तो समाली के लिए आप अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स और प्योर फार्म में ग्लोटामिल मिलती है, ग्लोटामिल मिलती है, पाउडर होता है, आप इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लोटामिन को आपस में ऐड करके, यानी वो बन जाएगा आपका 1 लीटर में 1 चमची, दोनों को मिक्स करेंगे 1 चमची बन जाएगा, वो अगर आप देंगे आपका कबूतर जल्दी रिकवर कर देगा, अपने जो जिस्म का पानी है उसको पूरा कर लेगा, आगे कबूतर अपनी खुराक की तरफ चलेगा, वो हाजमा से सही हो जाएगा और कबूतर आपका 4-5 घंटे में वापस अपना जिस्म मेंटेन कर लेगा। जी जी। ये एक तरीका कार है। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप कबूतर को आप चलाएंगे तो कबूतर आपका एक्सपायर नहीं होगा और आपको अच्छा रिजल्ट देगा। आपकी इतनी मेहनत है, 4-5 महीने आप कबूतर को यानी फड़के लगाते हैं, उसको संभालते हैं, उसके बाद अगर आप छोटी सी आपकी वजह से या छोटी सी आपकी कुताही की वजह से कबूतर मर जाता है तो समझे आपने तो आपने नुकसान कर दिया। नुकसान कर दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, माशाल्लाह एक वीडियो में आपको 3-4 टिप मिल गए, संभाली के हवाले से भी, आजमे के हवाले से भी। ठीक है, और दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें,
और लाइक भी करें, शेयर करें। उस्ताद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।